नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टेक इन्फो में। और आज बताने जा रहे हैं एक बड़ी खबर निकल के आई है आंगनबाड़ी के प्रति, जो पटना से आ रही है कि आंगनबाड़ी के बच्चे को अब मिलेंगे डब्बा बंद खाना। और यह सुविधा लागू होने जा रही है माह अप्रैल से। अभी तक तो टोकन के माध्यम से हो रहा था, 4 माह का टोकन लाभुकों को दे दिया गया है। और अब माह अप्रैल से, 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है कि डिब्बा बंद बच्चों को खाना मिलेगी। और यह सुविधा पहले आंगनबाड़ी सहायिका करती थी, सहायिका द्वारा गर्म पका भोजन खिलाया जाता था। और यहाँ पे आ रहा है कि पूर्व से अब स्कूल में जो चल रहा है केंद्र, 4010 केंद्र चल रहे हैं। केंद्रों की भी सूचना यहीं दी गई है। टोटल सेंटर जो है अभी आंगनबाड़ी के 1,06,000 सेंटर हैं। और 1,06,000 सेंटर को आंगनबाड़ी के बच्चे को डब्बा बंद खाना दिया जाएगा। चलिए विस्तार से बताते हैं कि इसमें क्या होगा और कैसे होगा। तो यहाँ से देखिए, राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अप्रैल महीने के से बच्चों को डिब्बा बंद पोषाहार दिया जाएगा। अब तक यहाँ आने वाले बच्चों को गर्म पका खाना दिया जाता था, लेकिन अब बच्चे को और हेल्दी व स्वच्छ खाना मिले, इसको लेकर विभाग की तैयारी शुरू हो गई है। यानी विभाग अभी तैयारी करना शुरू कर दिया, माह अप्रैल में जो लागू होने वाला है उसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। और अधिकारियों के मुताबिक, अगर माना जाए तो अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना को शिक्षा विभाग के साथ मिलकर किया जाएगा। और 1 अप्रैल से आरंभ हो रहे अगले वित्तीय वर्ष से बच्चे को डिब्बा बंद खाना मिलने लगेगा। अब समझ लीजिए कि आपको डिब्बा बंद ही आपको बच्चे को खाना देना पड़ेगा। और यह सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई जा रही है कि बच्चे को हाइजेनिक खाना मिल सके, पौष्टिक खाना मिल सके। चलिए आगे बताते हैं आगे क्या कहा गया है। मेनू के मुताबिक और बेहतर खाना दिए जाएंगे। अधिकारी के मुताबिक इस संबंध में वैसे राज्य का फीडबैक तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया है जहाँ यह पूर्व से हो रहा है। मतलब अभी अधिकारियों द्वारा इसमें जहाँ जहाँ जिस राज्य में ये सुविधा लागू की गई है वहाँ से फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या इसकी सुविधा है, कैसे सफल किया जाएगा। इसमें अभी से ही अधिकारी लग गए हैं और अब आंगनबाड़ी के बच्चे को डिब्बा बंद ही खाना मिलेगा। जहाँ यह पूर्व से हो रहा है इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें मंत्री के स्तर से अभी स्वीकृति बाकी है। ये प्रस्ताव जो तैयार हुआ है इसमें अभी मंत्री के पास से स्वीकृति मिली नहीं है, लेकिन मिल ही जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसमें स्वीकृति मिलनी ही है। अब आइए कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे क्या बताया जा रहा है देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1,14,000 है, जिसमें 1,04,000 सेंटर नियमित चल रहे हैं। नियमित 1,04,000 सेंटर पर ये डिब्बा बंद पोषाहार का सप्लाई दिया जाएगा। इसमें हर सेंटर पर 25 से अधिक बच्चे होते हैं। यानी एक आंगनबाड़ी केंद्र पर जो सेंटर पर बच्चे होते हैं मिनिमम तो 20 होते हैं, और जो रेगुलर सेंटर है उसमें अधिकतम 40 बच्चे तक होते हैं। तो यहाँ एक एवरेज दिया गया है कि हर सेंटर पर 25 से अधिक बच्चे होते हैं और इन्हें हर दिन सेंटर पर पका भोजन दिया जाता है। और यह काम सहायिका का है जो हर दिन मेनू के मुताबिक बच्चे को खाना देती है। तो ये काम पहले जो सहायिका करती थी, गर्म पका भोजन बना के खिलाती थी बच्चे को, अब उनको खाना पका के नहीं मिलेगा, डिब्बा बंद आएगा खाना विभाग द्वारा। और यह काम शिक्षा विभाग से मिलकर किया जाएगा। वर्तमान में कहाँ कितना सेंटर चल रहा है इसका भी सूचना इनके द्वारा डिस्प्ले किया गया है। स्कूल जो में जो बच्चे सेंटर चल रहे हैं वो 4010 सेंटर है, और अपना भवन में सेंटर जो चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, उसकी संख्या 26,097 है। और किराए में 80,000 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इतना नया केंद्र भी अभी 2,000 बनाया जाना है। तो सारी की सारी सुविधा इसमें कहाँ पर क्या हो रही है, कितना सेंटर चल रहा है, कितने बच्चे आते हैं, सब चीज़ सब कुछ तैयार कर लिया गया है। और अब सिर्फ देखना है ये कि अप्रैल में क्या होने जा रहा है।
हालांकि इसमें टीएचआर का जिक्र नहीं किया गया है कि टीएचआर के जगह पर उसकी व्यवस्था क्या की जाएगी। ये सिर्फ आंगनबाड़ी पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुविधा है। और ऐसे ऐसे अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करिए आगे। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने।